हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और एक बढ़िया ऑथेंटिक डिश, पाड़ुओ खीर। ये महाशिवरात्रि के दिन ये खीर बनाया जाता है उड़ीसा में, और ये शरीर को ठंडक भी देता है। ये पाड़ुओ सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये मार्केट में मिलता है। इसको हम भिगो के फिर खीर बनाएंगे। आइए मैं इसका प्रिपरेशन बताती हूँ। मैं इंग्रेडिएंट्स में ली हूँ 1/2 लीटर मिल्क, सिमी, मैं इसको थोड़ा रोस्टेड कर दूंगी, देसी प्योर घी, शुगर, काजू, इलायची, पेपर और तेजपत्ता। मैं पहले पालुओं को भिगो लूंगी। ये वेस्टर्न उड़ीसा में ज्यादा मिलता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले 10 मिनट के लिए इसको भिगो देती हूँ। 10-15 मिनट में ये भीग जाएगा। ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से भीग चुका है। अभी इसको हम स्ट्रेन करेंगे। आराम से पूरा स्ट्रेन हो गया, उसका जितना मेला था निकल चुका है। अभी इसको फिर 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इसको पूरा बैठने देते हैं, पूरा लेयर बैठ जाएगा। ऊपर का हम पानी निकाल देंगे, फिर नीचे का हम खीर बनाएंगे। अभी इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद अब देखिए पूरा पानी ऊपर आ गया और नीचे पालो बैठ गया है। अब हम धीरे से ये पानी को निकाल देंगे। तो ये पानी खीर के अंदर नहीं जाएगा, ये वेस्टेज में चला जाएगा। ये पानी खीर के अंदर जाएगा तो खीर का टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा, इसीलिए ऊपर का पानी पूरा आराम से हम निकाल देंगे। अभी नीचे जो बिठा है इसका हम खीर बनाएंगे और ये पानी को हम फेंक देंगे। आइए हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अभी इसका हम खीर बनाएंगे। अभी हम गैस पर पैन बिठाएंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद हम देसी प्योर जो घी लिए थे उसको डाल देते हैं। मैं 2 चम्मच ली हूँ देसी प्योर घी। ये गर्म होते ही हम इलायची, पेपर और काजू, तेजपत्ता सब डाल देंगे। काजू थोड़ा लिटिल ब्राउन होते ही हम थोड़ा पानी दे देंगे। थोड़ा सा पानी देंगे, करीब 1 कप। पानी गर्म होते ही हम शुगर को डाल देंगे। मैं 1/2 कटोरी शुगर ली हूँ और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा 1 पिंच करीब डाल देंगे। पानी बॉइल होते ही हम मिल्क डाल देंगे। मिल्क को हम अभी बॉइल होने देते हैं। मिल्क गर्म हो जाने के बाद, बॉइल हो जाने के बाद हम सिमी को डाल देंगे। मैं थोड़ा सिमी को रोस्ट कर दी हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐसे खाली पालुओं बना सकते हैं और सिमी थोड़ा डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। आप चाहे तो सिमी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खाली पालुओं बना सकते हैं। पालुओं बनाते टाइम आप सिमी, चावल कुछ भी डाल के बना सकते हैं। ये पालुओं के टेस्ट को और अच्छा दुगना कर देगा टेस्ट को। सिमी 1-2 मिनट बॉईल होते ही हम पालुओं को दे देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम अच्छे से मिला लेंगे। ये पालुओं में जो मैं स्ट्रेन करके रखी थी, इसमें थोड़ा सा पानी, करीब 1/2 कप पानी मिला के अच्छे से मिला लीजिए। फिर इस खीर में डाल दीजिए।
अब इसको 5 मिनट के लिए हम बॉईल होने देते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा खीर भी देंगे, मिल्क देंगे इसमें, ठीक हिसाब को देख के हम मिल्क देंगे। 5 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। मैं और थोड़ा मिल्क देती हूँ। देखिए बहुत बढ़िया हो गया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये महाशिवरात्रि के दिन जो जागर का व्रत करते हैं उसी दिन ये खीर खाते हैं और पूजा भी करते हैं घर घर में। ये शरीर को ठंडक देता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी देखिए हमारा हो गया बाड़ू खीर। आप ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं और सिमी भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अभी हमारा बन गया बाड़ू खीर। अभी इसको गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।